सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू द सी एस एस कोर कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखेंगे सी एस एस की एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग, जो कि मैं हमेशा हमारी स्टाइल शीट को लिखने से पहले डिफाइन करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है मेरी कुछ सी एस एस की डिफॉल्ट स्टाइलिंग। तो बेसिकली डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करूंगा जब भी हमारी स्टाइल शीट लिखूंगा, तो मैं ऊपर ही सबसे टॉप लेवल पे कुछ प्रॉपर्टीज बेसिकली डिफाइन कर दूंगा, ताकि आगे जाके हमें कुछ कंसर्न ना आए, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम को एनकाउंटर ना पड़े इन बेसिक चीज़ों की वजह से। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं पहली टॉपिक, पहली डिफॉल्ट स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो पहले यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ बॉक्स साइजिंग। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। और फिर बॉक्स साइजिंग में ना दो प्रॉपर्टीज आती है यहाँ पे, इसमें दो वैल्यूज हैं। एक होगी हमारी कंटेंट, एक होगी हमारी बॉक्स साइजिंग, कंटेंट बॉक्स, एंड देन दूसरी होगी हमारी बॉर्डर बॉक्स। फाइन, तो फिर बात करते हैं पहले कंटेंट बॉक्स के ऊपर। तो कंटेंट बॉक्स क्या है, तो कंटेंट बॉक्स बेसिकली ना, तो अगर मैं कंटेंट बॉक्स लिखता हूँ तो आपके पास एक एलिमेंट है, एक HTML एलिमेंट है, जिसके अंदर आपके पास कुछ कंटेंट है, यहाँ पे हेलो जी करके कुछ कंटेंट है। तो आप क्या करते हो, इस एलिमेंट को कुछ हाइट और विथ दोगे, राइट। तो इस एलिमेंट के पास कुछ हाइट एंड देन कुछ विथ होगी, तो ये होगी एलिमेंट कंटेंट का एरिया, ये फॉर्म कर देगा हमारा कंटेंट का एरिया। आप चाहते हो कि कुछ टाइम के बाद आप एक अच्छी UI बनाने के लिए आप चाहोगे कि यहाँ पे कुछ पैडिंग भी दे दूँ और फिर साइड में कुछ बॉर्डर भी ऐड कर दूँ इसके ऊपर, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आपकी हाइट एंड विथ तो आपकी एरिया को डिफाइन करती है, आपकी कंटेंट की हाइट और विथ मतलब एरिया है डिफाइन हो चुकी है। लेकिन अगर आप करोगे बॉर्डर और फिर पैडिंग इसके ऊपर अटैच, तो फिर क्या होगा, उस केस में आपकी कंटेंट की जो हाइट एंड विथ है, मतलब उसके साथ आपकी एलिमेंट की जो साइजिंग है वो बढ़ जाएगी। दैट इज कि आपके हाइट और विथ के साथ आपकी बॉर्डर एंड पैडिंग जो भी आप वैल्यू दोगे वो सब कुछ इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स क्या है, आपकी जो भी वैल्यू से मतलब ये डिफॉल्ट रहेगा, कंटेंट बॉक्स बॉक्स साइजिंग की एक प्रॉपर्टी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रहेगी। अगर आप लिखोगे तो भी, अगर आपको चेंज करना है तो आप बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, वरना कंटेंट बॉक्स आपकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रहेगी, राइट। तो अभी बात करते हैं बॉर्डर बॉक्स की, तो इसके क्या, इसमें डिफरेंस क्या है, बॉर्डर बॉक्स में ऐसी क्या खास चीज़ है जो कि कंटेंट बॉक्स में नहीं है। अगर आप, जैसे कि आपको पता है कि हाइट और विथ बॉर्डर पैडिंग दे दे दो तो आपकी एलिमेंट की साइजिंग भी बढ़ जाती है, लेकिन बॉर्डर बॉक्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स में देखेंगे कि आप अगर आपकी कुछ कंटेंट की हाइट और विथ देते हो एक एलिमेंट को, तो क्या करेगा, उसके ऊपर आप ऑफकोर्स बॉर्डर या फिर पैडिंग दोगे, राइट। हाइट एंड विथ है मेरे पास और फिर उसके ऊपर आप दोगे कुछ बॉर्डर एंड देन पैडिंग। इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, आपकी एलिमेंट की कंटेंट को ना, आपकी एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे मेरी कुछ कंटेंट है एलिमेंट की, इस कंटेंट को किसी ना किसी तरह से श्रिंक करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ये श्रिंक करने की कोशिश करेगा, दैट इज या क्या कहना चाहता हूँ, कंटेंट की जो हाइट विथ है, कंटेंट की हाइट विथ जो है उसके अंदर ही इंक्लूडेड होगा, मतलब इनके अंदर ही इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी एक वैल्यू आएगी, राइट। इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसके ऊपर आप अगर ऐड करते हो बॉर्डर एंड देन पैडिंग, तो कंटेंट बॉक्स में क्या होता था, बॉर्डर एंड देन पैडिंग। तो इस केस में कंटेंट बॉक्स में क्या होता था, कंटेंट बॉक्स में होता था कि आपकी वैल्यू ऐड हो जाती है तो आपकी साइजिंग बढ़ जाती है। इस केस में क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स के केस में आपकी जो बॉर्डर एंड देन पैडिंग है, इन इस वैल्यू के अंदर ही एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, एक मिनट, ये तो इस वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू है, ये वैल्यू के अंदर ही एडजस्ट करेगी। दैट इज किसके अंदर, एडजस्ट विद इन योर कंटेंट की हाइट और विथ, तो इसकी हाइट और विथ मतलब इसकी साइजिंग के अंदर ही होगा। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि आपकी कंटेंट को श्रिंक करने की कोशिश करेगा, ताकि वो बॉर्डर और फिर पैडिंग को अब्सॉर्ब कर सके, राइट। तो अगर मैं कुछ और टर्म्स में कहूँ, तो कंटेंट बॉक्स में क्या था, ये डिफाइंड टर्म्स में, इन टर्म्स को डिफाइन कर देता हूँ। इन टर्म्स को आप याद रखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कंटेंट बॉक्स में मैं लिखता हूँ कि अगर आपकी जो विथ है, आपकी जो विथ ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगी, वो एक्चुअल विथ, आप जो कंटेंट की डिफाइन करोगे वो वही रहेगी। तो विथ ऑफ कंटेंट ही रहेगी। और फिर यहाँ पे अगर आप उसी कंटेंट बॉक्स में हाइट ऑफ एलिमेंट कुछ लिख देते हो,
आप करते हो हाइट ऑफ एलिमेंट, तो क्या होगी वो हाइट ऑफ कंटेंट ही रहेगी। आप जो करोगे हाइट ऑफ कंटेंट ही रहेगी। ऑफ कोर्स आपको इससे कुछ इनसाइट नहीं आया होगा, अभी मैं जब पैरेलली बॉर्डर बॉक्स लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आएगी कि यहाँ पे जगह, अब अगर कोई एलिमेंट है जैसे कि ये एलिमेंट हो गया, इस केस में ये एलिमेंट है, तो अब आपकी जो विथ ऑफ एलिमेंट होगी, अब आपकी जो विथ ऑफ एलिमेंट होगी वो होगी आपकी विथ प्लस, अगर आप यहाँ पे अगर आप बॉर्डर एंड देन पैडिंग ऐड करते हो, बॉर्डर प्लस पैडिंग जो भी आप मेंशन करते हो, यहाँ पे भी बॉर्डर एंड देन पैडिंग को ऐड करते हो, राइट। तो इस केस में आपकी विथ ऑफ एलिमेंट क्या होगी, विथ होगी आपकी कंटेंट की विथ, एंड देन होगी आपकी बॉर्डर एंड देन पैडिंग, ये सभी इंक्लूड कर देगा इसके विथ में। तो इस विथ में आपकी बॉर्डर और देन पैडिंग एंड देन विथ को सभी कुछ को एक ही वैल्यू में इंक्लूड कर देगा। एंड देन अगर आप आते हो अपनी हाइट ऑफ एलिमेंट पे, तब क्या होगा, तब आपकी हाइट होगी इंक्लूडेड, आपकी हाइट तो होगी इंक्लूडेड, एंड देन पैडिंग भी है और फिर बॉर्डर भी है, राइट। एंड देन पैडिंग भी है एंड देन बॉर्डर भी है, तो यहाँ पे बॉर्डर को भी इंक्लूड कर देगा, पैडिंग को भी इंक्लूड कर देगा। लेकिन अगर आपको अभी भी इंसाइट नहीं आया ना, तो आप अगर मैं यहाँ पे जैसे ये विथ है तो ये पूरा का पूरा विथ जो कि सेम ही है, लेकिन इसमें मैंने अभी तक बॉर्डर एंड देन, इसमें अभी तक मैंने अलग से लिख देता हूँ, इसमें अभी तक मैंने बॉर्डर एंड देन पैडिंग को ऐड नहीं किया, ये ऐड नहीं हुआ, ये एक वैल्यू बन चुका है, ये अलग वैल्यू है, ये वैल्यू इसके अंदर ऐड होगा तब आपकी साइजिंग बढ़ेगी। तो ये विथ सिर्फ, ये विथ जो है सिर्फ इस विथ को रिलेट कर रहा है, यहाँ पे ये विथ जो है इन सभी वैल्यूज को रिलेट कर रहा है, तो ये डिफरेंस है। तो आपकी जो कंटेंट को है उसको श्रिंक करने की, अब्जॉर्ब करने की, मतलब बॉर्डर ऑफ देन पैडिंग को बॉर्डर बॉक्स में अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी अपनी स्टाइलिंग लिखोगे तब आपको अपनी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी लगा देनी चाहिए सभी एलिमेंट्स पे, सभी एलिमेंट्स पे। तो आता हूँ हमारे वीएस कोड में, दिखाता हूँ इसके ऊपर। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है मेरी पेज, यहाँ पे है मेरी पेज, एंड देन यहाँ पे मेरे पास है चार बॉक्सेस, हर एक बॉक्स ना 25% की विथ की है, हर एक बॉक्स हो गई मेरी 25% की विथ, ये है 25%, ये है 25%, ये है 25, सिमिलरली ये भी है 25। दैट इज कि आपकी जो पेज है, आपकी पेज कितनी होती है, आपकी पेज होती है 100% की विथ, आपकी जो पेज है 100% है, उसमें अगर चार बॉक्स आप 25% के डिवाइड करो, चार बॉक्स डिवाइड करो तो 25% इक्वली डिवाइड हो जाएगा, फाइन। इससे मुझे ये आइडिया लग गया कि ये इक्वली डिवाइडेड है, ये लेकिन विथ है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करता है मेरी विथ को, ना कि मैंने पैडिंग को ऐड किया, ना ही बॉर्डर बॉक्स को, ना ही पैडिंग को ऐड किया, ना ही बॉर्डर को ऐड किया। और फिर अब जो प्रॉपर्टी है वो है डिफॉल्ट में कंटेंट बॉक्स, अब जो प्रॉपर्टी है वो है डिफॉल्ट में कंटेंट बॉक्स। तो इस केस में अगर मैं पैडिंग या फिर बॉर्डर दे देता हूँ, पैडिंग या फिर बॉर्डर किसी भी एक एलिमेंट पे, एक छोटी सी भी वैल्यू देता हूँ ना, लेट्स एग्जांपल 2 और 3 पिक्सल कुछ भी देता हूँ ना, तब 1 पिक्सल भी देता हूँ, तब क्या करेगा ये, अपनी अलाइनमेंट जो है, आपकी अलाइनमेंट जो फिट है 100% में वो नहीं बैठेगी, दैट इज आपकी कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो करने की कोशिश करेगी इस जगह पे, आपकी कंटेंट ओवरफ्लो करने करने की कोशिश करेगी। तो उस चीज़ को ओवरराइड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे बॉक्स साइजिंग की बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे लिखोगे बॉक्स साइजिंग की बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू ये जो मिसअलाइनमेंट थी, ये जो ओवरफ्लो था, आपकी ओवरफ्लो होने से प्रोवाइड कर देगा, मतलब प्रिवेंट कर देगा। तो आपकी जो फिट है, आपकी कंटेंट को अगर श्रिंक करने, अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा किसको, इस ये जो भी आप बॉर्डर या फिर पैडिंग दोगे उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और फिर एक ही अलाइनमेंट में लाने की पॉसिबिलिटी लाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बॉर्डर बॉक्स की जो इम्पोर्टेंस है समझ में आ गई। अभी आता हूँ हमारे वीएस कोड पे, और फिर वीएस कोड में मैं बताता हूँ, जैसे कि एक और एग्जांपल, एक है मेरे पास बॉक्स, एक दूसरी बॉक्स है जिसको मैं लिख देता हूँ डिव बॉक्स, एंड देन इस पे क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगी मेरी बॉर्डर बॉक्स की, ये होगी मेरी बॉक्स बॉर्डर बॉक्स वाली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर। इन दैट केस सेम स्टाइलिंग उठा लेता हूँ, सेम स्टाइलिंग उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा पैडिंग। तो पैडिंग अगर ऐड करता हूँ कुछ 10 पिक्सल की मान लेते हैं, एंड देन
एंड देन क्या क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को भी डाल देते हैं। तो बॉर्डर होगी, तो मैं ऐड करता हूँ अपनी बॉर्डर, तो बॉर्डर होगी 10 पिक्सल सॉलिड ग्रे, 10 पिक्सल सॉलिड ग्रे की, फाइन। तो इस केस में आपकी बॉर्डर ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे भी सेम लिखता हूँ, यहाँ पे भी सेम पैडिंग अंदर बॉर्डर को ऐड कर देता हूँ, फाइन, यहाँ भी एडेड है। एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये यहाँ पे डिफॉल्ट आएगी, यहाँ पे आपकी बॉक्स साइजिंग को मेंशन करने से नहीं, जो ऊपर वाली है ये होगी आपकी कंटेंट, जो फर्स्ट बॉक्स है वो होगी आपकी कंटेंट वाली, यहाँ पे बॉक्स की जगह कंटेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी कंटेंट, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी कंटेंट है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग की वैल्यू, बॉक्स साइजिंग करता हूँ बॉर्डर बॉक्स, तो इन दैट केस देखिए कि आपकी जो एलिमेंट थी वो श्रिंक हो चुकी है, आपकी जो एलिमेंट है उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर दी इसने अपनी पैडिंग और फिर बॉर्डर को। अगर आपको इस पे भी भरोसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके उस एलिमेंट की जो हाइट विथ है उसके देख सकते हो। यहाँ पे 120 क्रॉस 120 है, अगर मैं हाइट के टर्म्स में बात करूँ तो 120 हो गया ये, पैडिंग 10 हो गया 130, एंड देन बॉर्डर 10 होगी 140। अगर मैं कंटेंट बॉक्स पे जाता हूँ तो मेरी 160 की सिर्फ हाइट है, एंड देन उसके ऊपर 10 की पैडिंग, उसके ऊपर बॉर्डर की पैडिंग, तो ये 180 हो चुकी। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ये है 140 एंड देन ऊपर वाला है 180 का, तो आपके कंटेंट को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि अलाइनमेंट में ला सके। तो ये कुछ कैलकुलेशंस बिहाइंड द सीन्स परफॉर्म होती है, फाइन। तो मैं किस डिफॉल्ट स्टाइलिंग की बात कर रहा था, सभी एलिमेंट्स पे ऐसे आपके पास एचटीएमएल में सभी स्ट्रक्चर होंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, सभी एलिमेंट्स पे मेंशन कर देना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है, सभी एलिमेंट्स पे लिखते हो लिखना छोड़ के आप टॉप लेवल पे अगर आप स्टार डालते हो तो स्टार एक स्पेशल सेलेक्टर है, वाइल्ड कार्ड है। क्या कहता है कि आपके एचटीएमएल में, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी पे इन इसमें आप जो भी स्टाइल मेंशन करोगे वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आते हैं बॉक्स साइजिंग पे, एंड देन लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स, तो आपके सभी एलिमेंट्स पे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए दोनों एलिमेंट्स मेरी श्रिंक हो चुकी है अपने हिसाब से। देन एक और डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, वो क्या है, एक और डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस बॉर्डर के ऊपर इन बॉक्सेस के साइड में गैप है, टॉप पे भी लेफ्ट पे भी, जो कि राइट कॉर्नर में भी होगी, बॉटम कॉर्नर भी होगी। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके बॉडी में बता देता हूँ, तो वो क्या होगी, वो हमारी बॉडी एलिमेंट है, जो कि जो बॉक्स दिख रहा है ये है हमारी बॉडी की एलिमेंट। तो आप देख सकते हो ऑरेंज कलर की लाइन, यहाँ पे मार्जिन दिया गया है 8, तो ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आपकी ब्राउजर इसको डाल देती है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको ओवरराइड कर दो, दैट इज ना मैं मार्जिन को चाहता हूँ ना मैं पैडिंग को ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरी डिफॉल्ट की वैल्यू क्या डाल दूंगा, यहाँ पे बॉडी टैग को लिख के यहाँ पे डाल दूंगा, मेरी जो मार्जिन होगी उसे तुम कर दो 0, उसे तुम कर दो यहाँ पे 0, एंड देन मेरी जो पैडिंग होगी, मेरी जो पैडिंग होगी इसे भी तुम कर दो 0, फाइन। तो अब जब हम इधर रिलोड करते हैं तो अब आप देखोगे कि ना ऊपर कोई स्पेस है ना लेफ्ट साइड में कोई स्पेस है, तो इसका मतलब आपकी बॉर्डर पैडिंग और फिर मार्जिन दोनों हट चुकी है, फाइन। तो ये हमारी जो है, तो इन इन दो चीज़ों को हम डिफॉल्ट स्टाइलिंग में हमारी जो भी हम सीएसएस लिखेंगे उनमें ऐसे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इसे पहले ऐड कर देंगे, फाइन। तो ये हो चुकी हमारी इसके ऊपर बात, तो राइट इस चीज़ में डिफॉल्ट स्टाइलिंग के ऊपर इतनी ही बात थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।